हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का युग कलयुग, हर कोई बेचैन और परेशान। इस तरह का कलयुग है, समझ लीजिए ये एक माया जाल है जो भगवान के द्वारा बिछाया हुआ है और इंसान उसमें फंसता चला जा रहा है। आप लोगों में से कईयों ने लखनऊ शहर में स्थित इमामबाड़ा देखा होगा, जिसे भूल भुलैया के नाम से लोग जानते हैं। ये बहुत ही फेमस जगह है लखनऊ की, जहाँ लोग विजिट करने जाते हैं। वास्तुकला का ये उत्कृष्ट नमूना है। कहते हैं इसमें कुछ भूमिगत ऐसी सुरंगें हैं जिसमें यदि इंसान एक बार फंस जाए तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों की इसी भूल भुलैया में फंस कर और बाहर ना निकल पाने के कारण कहते हैं मृत्यु भी हो चुकी है। कुछ इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है। मुझे लगता है ये कलयुग भी कल की भगवान द्वारा बनाया गया एक भूल भुलैया है, जिसमें अगर आपके पास भक्ति का ज्ञान नहीं है आप भटक जाएंगे। और कलयुग की भूल भुलैया में कुछ इस कदर भटकेंगे कि निकलने का रास्ता लाख चाह कर भी आप ढूंढ नहीं पाएंगे। क्यों मैं कह रही हूं ऐसा, विस्तार पूर्वक यही चर्चा मैं अपनी वीडियो में करने वाली हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ये कलयुग एक भूल भुलैया है, इसमें एक तरफ है बेईमानी, एक तरफ है ईमानदारी। कौन है असली और कौन है नकली, किसके चेहरे पर है मुखौटा और किसके चेहरे से मुखौटा उतर चुका है, क्या है सच और क्या है झूठ, कौन है असली और कौन है नकली, जानना आज के युग में दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। और लोग दूसरों के बहकावे में इस कदर फंसते जा रहे हैं कि ये कलयुगी रूपी भूल भुलैया का समय जो चल रहा है उसमें लोग भटक चुके हैं और निकलने का उनको रास्ता नहीं मिल रहा है और भगवान से वो उतने ही दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि इस युग को कहा गया है ये भक्ति वाला युग नहीं है, ये पाप का युग है, ये अपने पाप को काटने का युग है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस कलयुग के भूल भुलैया में आप ना फंसे तो आपको चलना पड़ेगा अपनी ज्ञान चक्षु के द्वारा भक्ति मार्ग पर, ताकि आप भटके नहीं, आपके जीवन का जो एम है, जिसके लिए आप धरती पर आए हैं, भगवान ने आपको भेजा है, अपने जीवन के लक्ष्य से आप भटक ना जाए, आपको जीवन में सही रास्ता मिल सके, उसके लिए आपको अपने नेत्र हमेशा खोल के रखने हैं, अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त होना है और किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना है। विश्वास करना है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर, क्योंकि वही आपकी जीवन नैया को पार लगाने वाला है। वरना एक बार आप इस कलयुग की भूल भुलैया में भटके तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाएगा आसानी से, और आप जिस तरह आए हैं उसी तरह एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, बिना कुछ अच्छा काम किए, बिना कुछ अपनी अच्छी यादों को अपने पीछे छोड़कर चले जाना होगा इस दुनिया से। तो जाने से पहले इस दुनिया के भूल भुलैये में धोखेबाज और छल कपटी लोगों से रहिए दूर। भगवान तो चाहेंगे आपको अपने आप से दूर रखना, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उनके बिछाए हुए जाल में आप ना फंसे और आप ईश्वर के नज़दीक जाएं। उनके नाम का स्मरण पवित्र हृदय से कीजिए, दिखावे के लिए नहीं, तभी आप
इस भूल भुलैये दुनिया से बच पाएंगे। और कल के भगवान का दर्शन, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेगी। और असली और नकली को पहचानने की जो दिव्य दृष्टि होती है, डेफिनेटली मुझे विश्वास है आपके पास भी आएगी। तो कीजिए अपने ऊपर विश्वास, कीजिए उस ईश्वर पर विश्वास जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने दुनिया को बनाया, जिसने आपको बनाया। तो इस दुनिया के भूल भुलैये में आपको नहीं फंसना है, निकालना है अपने लिए रास्ता जो आपको ले जाता है भक्ति मार्ग की ओर, जो ले जाता है आपको ईश्वर की ओर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।